नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। गोल्डन गर्ल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि मैच खेलते हुए उनके मन में क्या चल रहा था। गोल्डन गर्ल अवनी का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना शत प्रतिशत देने के बारे में ही सोच रही थी और उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी की बात थी कि मेडल की सोचना छोड़कर हमें अपना बेस्ट देना है और मैंने बेस्ट दिया। मेडल का तो क्या कहें, बस आ गया। आइए देखते हैं अवनी और प्रधानमंत्री मोदी के रूबरू हुई बातचीत के कुछ अंश। अवनी बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में सेवेंथ आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चल रहा है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम उतनी डटी रही और ब्रॉन्ज देकर के रही, ये सब यानी कैसे? सर, जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ दोनों। और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, और अगर आप ऐसे, आपका आशीर्वाद रहे मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ, तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। गुजरात की राजनीति में अचानक हुई हलचल। विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा और 2 घंटे में ही दूसरे सीएम की घोषणा भी हो गई। कुछ तो है जो गुजरात की राजनीति में पर्दे के पीछे है। खैर, आज दोपहर में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में रविवार को भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के राजभवन में शपथ लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल का गठन 2 दिन बाद होगा। कल विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल को पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में सभी को ये लग रहा था कि अचानक से इस इस्तीफे के बाद राज्य की कमान कौन संभालेगा। उसके बाद पार्टी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 1 घंटे के गहन मंथन के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने भूपेंद्र सिंह पटेल का नाम घोषित किया। आज दोपहर भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं, और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सी आर पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।